सुबह बखैर सलामे सुबह प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, हम मुसलसल नए साल पुराने साल की बात कर रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं कि हमने क्या पाया क्या खोया, लेकिन जब हम बात करते हैं शहर के मसाइल की, शहरियों के मामलात की, तो यकीनन महंगाई हम सबकी बदतरीन दुश्मन रही है और अभी भी है। लेकिन हुकूमती हलकों की जानिब से मुसलसल इकोनॉमी ग्रोथ की बात हो रही है, गवर्नमेंट के वादों की बात होती है और हुक्मरान मुसलसल यही नवीद सुना रहे हैं कि मईशत ऑन ट्रैक है, हालात बेहतर हो रहे हैं, मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद आवाम के, आपके और मेरे जहन में बस एक ही सवाल आता है कि आखिर अगर सब कुछ इतना बेहतर और अच्छा है तो फिर महंगाई आखिर क्यों आउट ऑफ कंट्रोल है, महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही। आवाम की मुश्किलात का किसे ख्याल है, कौन कम करेगा आवाम के काम, शहर के मसाइल और दीगर मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं जी एक मुनफरिद खबर की कहानी आपको, और बताएंगे कुछ ऐसे परिंदों के बारे में जो कहीं पर मेहमान बने और उन्होंने खूब उनकी मेहमान नवाजी की है, उनके कंफर्ट जोन का खूब ख्याल रखा गया है। न्यूजीलैंड की मकामी हुकूमत ने नायाब परिंदों की हिफाजत और उन्हें उलझन से बचाने के लिए शाहराओं पर नज़्म स्ट्रीट लाइट्स बंद करने का फैसला कर लिया। न्यूजीलैंड के गाँव की मकामी हुकूमत की जानिब से जारी ऐलामिये में बताया गया है कि स्ट्रीट लाइट्स की वजह से जनूबी अमेरिका से सर्दियों में आने वाले परिंदे तजब्जुब का शिकार होते हैं जिसकी वजह से उनकी अमवात हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक ये परिंदे मछली खाते हैं जो सतह आप पर आकर रोशन होती है। रात के वक्त ये परिंदे समंदर पर उड़ते हैं और जैसे ही मछली ऊपर आती है उसे अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं। वाइल्ड लाइफ के हुकाम ने बताया कि ये परिंदे स्ट्रीट लाइट्स को अपना शिकार समझकर उसकी तरफ लपकते हैं जिसकी वजह से वो खंभों से टकरा जाते हैं, जख्मी होते हैं और फिर गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं और उन्हीं की बका के लिए ये स्ट्रीट लाइट्स को बंद करने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, आपने देखा कि वहाँ पर परिंदों की हिफाजत के लिए, नायाब परिंदों को बचाने के लिए कोशिश की गई है, स्ट्रीट लाइट्स को एक मखसूस वक्त के बाद रात को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब हम अपने यहाँ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी तो गर्मियों में साइबेरिया से परिंदे आते हैं, लेकिन हमने इतने नामसाइद हालात पैदा कर दिए हैं, हमने अपनी झीलों को, दरियाओं को, आबी गुजरगाहों को इतना आलूदा कर दिया है कि अब हर गुजरते दिन के साथ वो परिंदे, वो मेहमान परिंदे, उनकी तादाद में कमी वाकई होती जा रही है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और खबर मेरे पास ये है कि क्रिसमस का त्यौहार हमने देखा कि हमारी मसीही बरादरी ने बहुत खुशी से मनाया है, लेकिन जिस तरह से हर त्यौहार पर जो मुखय्यर हजरात हैं उनकी जानिब से कोशिश होती है कि ऐसे लोगों की मदद की जाए जो कि अपने त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, करीब कुर्बा होते हैं, तो ऐसी ही एक कहानी हमारे सामने आई जहां पर एक शख्स एक बड़े से होटल में जाता है, खाता पीता कुछ नहीं है, लेकिन लाखों में टिप वहां के मुलाजमीन को देखकर चला जाता है, उनकी मदद करता है। डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। अमेरिका से ये बहुत अनोखी खबर आई है जहां पर एक शख्स ने रेस्टोरेंट में खाया कुछ भी नहीं, ताहम जाते हुए पूरे स्टाफ को 5,600 अमरीकी डॉलर जो कि करीबन पाकिस्तानी 7.5 लाख रुपए बनते हैं की टिप देकर चला गया। सॉक किचन एंड बार के मालिक मूसा सलोख ने समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर अपने सफ़े में तशक्कुराना पोस्ट लगाई है। पोस्ट में बताया गया है कि एक शख्स उनके रेस्टोरेंट आया, मैनेजर को तलब करके $5,600 का चेक बतौर टिप देते हुए कहा कि ये पूरे स्टाफ में बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाए। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि 58 स्टाफ मेंबरान में से सबके हिस्से में $200 फीकस आई, जिससे उन्होंने क्रिसमस की खुशियों को भरपूर अंदाज में मनाया है। कोरोना वबा के बायस रेस्टोरेंट का कारोबार मुकम्मल तौर पर नहीं तो बहुत हद तक मुतासिर ज़रूर हुआ है, जिसके बायस बेरोजगारी में बहुत इजाफा हो गया है और अजनबी शख्स की जानिब से अचानक इतनी टिप मिलने पर रेस्टोरेंट के मुलाजमीन ने भी खुशी का इजहार किया है। नाज़रीन, मुनफरिद खबर की कहानी आपने जानी है कि किस तरह से अभी भी दर्द दिल रखने वाले लोग मौजूद हैं जो अपनी खुशियों का ख्याल तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ ऐसे लोगों की खुशी का भी ख्याल रखते हैं जो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि कोई खातिर खा इकदाम इस मामले में भी नहीं हो पाए, हर साल की तरह हमने स्मोक को खूब झेला, फजाई आलूदगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हुई, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात हुई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हुई, लेकिन कोई भी मंसूबा ना शुरू हुआ ना पाया तक मिल तक पहुंचा। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात कर लेते हैं। आजकल सर्दी बहुत ज्यादा है, जब मौसम की बात करते हैं, शिद्दत की बात करते हैं, तो फिर
हर इंसान की कोशिश होती है कि कुछ गर्म कपड़े पहने जाएं ताकि खुद को मौसम की शिद्दत से बचा लिया जाए, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब गुरबा हैं, जो कि ठंड से बचने के लिए कुछ मुनासिब कीमत पर कपड़े ख़रीदने के लिए लंडा बाज़ार का रुख करते हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी नाराज़ दिखाई देते हैं, कहते हैं कि कीमतें बहुत बढ़ गई, आजकल लंडा बाज़ार में कितना रश है, कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। महंगाई के इस दौर में मुतवस्सित और गरीब तबके का सहारा लंडा बाजार पी आवाम की पहुंच से दूर हुआ। महंगाई ने हाजी कैंप लंडे बाजार को भी अपनी लपेट में ले लिया। स्वेटर्स हों या फिर जैकेट्स या फिर जूते, लंडे बाजार का रुख करने वाले कीमतें जानकर दंग रह गए। हर चीज के रेट्स इतने कि आम बाजार को भी पीछे छोड़ दिया। सर्दी बढ़ने पर गर्म मलबूसात और जूते खरीदने वालों का लंडे बाजार में रश तो बहुत नजर आया, लेकिन कीमतें जानकर ज्यादातर खाली हाथ ही वापस लौटे। मर्दाना जैकेट 700 से 1100, जोगर 500 से 1000 रुपए तक के मिल रहे हैं। 100 या 200 की बात ही ना करें, बच्चों की चीजें भी 400-500 से लेकर 800 रुपए में फरोख्त हो रही हैं। खरीदारों ने कहा कि पुराने माल के भी इतने दाम है कि खरीदने की सकत नहीं। जेडी 400 दी जैकेट लभदी है या 1100 दी मिलदी पई है, समझ आई है? कुछ सिर दे टोपी ने ले जांदी है, वो भी 400-500 दी दसदे पैन। पहले दी निस्बत नालों जी इत्थे बहुत ज्यादा महंगाई है, पिछले साल यही चीजा जेरियां सी 200-300-400 तक सी, हुण जेरियां ओही चीजा सानू मिल रही 700-800-900 तक मिल रही। दूसरी जानब मंडी बाजार में रेटियां स्टॉल सजाए दुकानदार कहते हैं कि जो माल 15,000 रुपए में मिलता था वो अब 25,000 का हो गया है, करें तो क्या करें। लंडा सर्दी का हो या गर्मी का, रेट तकरीबन आम बाजारों जैसे ही हो गए हैं। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ मोहम्मद सरफराज, लाहौर न्यूज। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे जी लंडा बाजार में हालात वही पुराने हैं और आवाम आज भी शिकायत ही करती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, कुछ और अहम मामलात पर, शहर के मसाइल पर आपकी आवाज पर हमने बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे जी फिटनेस के हवाले से, मुलाकात आपकी करवाएंगे खेल के मैदान से बुलाए गए नन्हे मेहमानों से, जो हैं तो नन्हे नन्हे मेहमान लेकिन उनके अज़्म बहुत बुलंद हैं और बहुत बड़े बड़े वो आजकल काम कर रहे हैं। चंद रोज पीछे जाएं तो लाहौर में डीसी गेम्स का इनाकाद किया गया और डीसी गेम्स में इन्होंने खूब अपने फन के जौहर दिखाए हैं और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आने वाले वक्त में इनकी क्या प्लानिंग्स हैं, किस तरह से ये अपने स्पोर्ट्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का मुस्तकबिल वैसे है क्या, इन तमाम मामलों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी लाइबा आतिफ, हैं जिमनास्टर हैं और डीसी गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है लाइबा? आई एम फाइन। ठीक है आप? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा था। पता था इतनी मेहनत की थी कि आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा या फिर जी? हाँ, अच्छा, ले आपसे हम मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी असद अली एहसन साहब, हैं जिमनास्टिक भी करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी गेम्स का इनको शौक है इन्हीं से हम जानेंगे। क्या हाल है असद? मेरा, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? क्या कर रहे हैं आजकल वैसे? आजकल मैं जिमनास्टिक कर रहा हूँ और मोबाइल पे खेलता हूँ घर में। हाँ, मोबाइल पे कितना खेलते हैं वैसे? मैं 1-2 घंटे खेल लेता हूँ। हाँ, थोड़ा कम कर दीजिए, और मोबाइल पे इतना खेलना अच्छी बात नहीं है, जिमनास्टिक करें जी भर के, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है जिमनास्टिक करें खूब? जिमनास्टिक तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ, और क्या करते हैं आप वैसे? स्विमिंग भी सुना है कि कर लेते हैं। स्विमिंग भी कर लेता हूँ, स्विमिंग के साथ में कराटे भी करता था। क्या बात है, बच्चे बच्चे डरते हैं आपसे? नहीं डरते? नहीं डरते। चलें जी, आप कराटे मास्टर भी बन रहे हैं साथ साथ, और वकास अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिमनास्टिक के कोच हैं, इन बच्चों को सिखाते हैं और भी बहुत सारे बच्चों को सिखाते हैं। वकास साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, बच्चे जिमनास्टिक, हमें पहले बताइए कि खुद को फिट रखने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए एज अ गेम अगर बच्चे इसमें आते हैं तो कितनी अच्छी है? जिमनास्टिक एक्चुअली है ही बच्चों की गेम, जहाँ तक मैंने रियलाइज किया है कि बच्चे में एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और जिमनास्टिक है ही फ्लेक्सिबिलिटी डेफिनेटली। तो हम क्या करते हैं, जब बच्चा हमारे पास आ जाता है, हमारा कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे, क्योंकि उसकी बॉन्स तो बच्चे की बॉन्स वीक होती है। हाँ। तो हम क्या करते हैं उस पर फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं। जब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि अभी लाइबा की माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसके साथ हम कंटोनशन एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवा देते हैं। कंटोनशन एक्सरसाइजेस में ये होता है कि बच्चा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ अपनी आर्म्स की पावर, अपनी बॉडी की पावर को
यूज करना सीखता है। तो इस तरह जो है मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए जिमनास्टिक से बेहतर कोई गेम नहीं है। ठीक, हमें लाइबा ये बताइए आप कब से जिमनास्टिक कर रही हैं? अबाउट 2 इयर्स। 2 साल से कर रही हैं? आप तो बहुत छोटी सी अभी भी हैं, 2 साल पहले तो और छोटी होंगी, तब से कर रही हैं। किसने कहा था वैसे? माय मदर, मेरी मम्मा ने कहा था। उन्होंने पहले सर्च किया कि ये तो एक जिमनास्टिक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको इंक्रीज करेगी आपकी हेल्थ और आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगी। हाँ जी, हाँ, और आपको फिट रखेगी। तो उन्होंने कहा, मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मैंने स्टार्ट किया। हाँ। अच्छा, तो अभी 2 साल से आप कर रहे हो, आपको लगता है कि आप कुछ ज्यादा पावरफुल हो गए हो, आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो दूसरे बच्चों की निस्बत? जी मुझे लगता है बहुत। हाँ। पहले मुझे लगता था कि मेरी टांगे बहुत कमजोर है और मेरी थी भी। हाँ। तो जैसे मैंने जिमनास्टिक स्टार्ट की तो मेरी टांगे इम्प्रूव कर रही हूँ और उनमें पावर्स आ रही हैं और हैंड में, बाजू में। अच्छा, पावर तो आ रही है। हर रोज कितना टाइम देती हूँ, कितने वक्त के लिए प्रैक्टिस करती हूँ? मैं 1 आवर देती हूँ। 1 आवर? 1 आवर काफी होता है ना। अच्छा असद, हमें ये बताइए आप कब से कर रहे हैं जिमनास्टिक? मुझे 3-4 मंथ्स हो गए जिमनास्टिक। हाँ। करते हुए। ठीक, आपको किसने कहा कि आप जिमनास्टिक में आ जाइए? मेरी मम्मा ने कहा था कि आपकी कजन जिमनास्टिक करती है, तो आपने कराटे करने का जिमनास्टिक, मैंने कह दिया कि मुझे जिमनास्टिक करनी है। और जब मैंने जिमनास्टिक का पहला दिन मैंने गया था जिमनास्टिक में पहली बार, तो मुझे बहुत अच्छी एक्टिविटी लगी थी। हाँ। कभी कोई गिर के चोट वोट तो नहीं लगी? कभी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? कभी कभी हो जाते, कभी कभी स्पोर्ट्स में चोट तो लगती है। हाँ, तो फिर डर तो नहीं लगता कि मैं कल नहीं जाऊंगा, अब तो मैं बस नहीं, मुझे तो डर लगता। क्या बात है, बड़े स्ट्रांग बच्चे हैं जी। आपके साथ हुआ लाइबा कभी ऐसा? जी कभी सर लग जाता है, कभी टांग मुड़ जाती, कभी बाजू मुड़ जाती, लेकिन मैं गिव अप नहीं करती। कोई बात, गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना जी, हमने तो आगे बढ़ के चलना है। वकास साहब, बच्चों का जो मैं कॉन्फिडेंस देख रही हूँ और जिस तरह से बच्चे अपने शौक के लिए अम्मा अब्बा ने सजेस्ट किया कि आप ये करें और जिस शौक से ये बच्चे बता रहे हैं, मेरा ख्याल है ये तो पाकिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल बनने वाला। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इन बच्चों पे अभी, क्योंकि ये जब स्टार्ट में मेरे पास आई थी लाइबा के, शायद आपके प्रोग्राम में हम पहले भी आ चुके हैं छोटे बच्चों के साथ। बिल्कुल आए थे आप, तो उसमें ये जो ऐसे बच्चे थे इनको हाथ लगाते थे वही रोना शुरू हो जाते थे, और अब माशाल्लाह ये इतने स्ट्रांग हैं कि चोट लग भी जाती है ना, तो मैं इनको उल्टा डांटता हूँ कि भाई गिव अप नहीं करना, क्योंकि आप जिमनास्ट हैं, आप आम बच्चे नहीं हैं, आप जिमनास्टिक्स करते हैं, तो माशाल्लाह अब ये काफी स्ट्रांग हो चुके हैं और मजीद भी होंगे। लेकिन जिमनास्टिक से हटके भी मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा अपनी। इंटरनेशनल चेयर लीडिंग एसोसिएशन के साथ मैं मेंबर हूँ, और चेयर लीडिंग भी एक ऐसा इवेंट है जिसमें जिमनास्टिक का बहुत बड़ा किरदार है। तो इन बच्चों के लिए, इन फ्यूचर के लिए मैं जस्ट जिमनास्टिक तक नहीं महदूद रखना चाहता, यानी उसकी मजीद जो डायमेंशन है उनमें भी आप इनको डेफिनेटली मैं उसमें इनको, और वो अभी पाकिस्तान में सिंध में जो है हमारी बॉडी बन चुकी है, और पंजाब में मैं रिक्वेस्ट करूंगा पंजाब अपना ओलंपिक से कि हमें उसमें सर पहले जिमनास्टिक के हालात तो ठीक हो जाएं। नहीं, यहां तो पहले जिमनास्टिक के हालात ही ठीक नहीं है, चलेंगे बच्चे तो कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं, पेरेंट्स इनको सपोर्ट मैं कर रहे हैं, लेकिन मैं वही प्यार हूँ मैं किसी पे कोई ऐसी तनकीद नहीं करूंगा कि कोई काम कैसे कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे काम करूँ, वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो इंशाल्लाह हम चीयर लीडिंग को, एक पाकिस्तान को मैं पहले रिप्रेजेंट कर चुका हूँ 52 कंट्रीज में। एग्जैक्टली, पाकिस्तान में बिल्कुल टैलेंट की कमी नहीं है और बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हैं जो कि जी जान लगाते हैं। लाइबा, जब आप इतनी अच्छी एक्सरसाइज करती हैं, स्ट्रांग बनना चाहती हैं, फिर खाती भी खूब है, अच्छा खाती हैं? जी मैं ब्रेकफास्ट भी करती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट में वो एग एंड चीज मिल्क ले लेती हूँ। ठीक, यानी सारा दिन अच्छा खाते पीते हो, फिर आपको स्ट्रांग रहने के लिए जरूरी। ठीक, स्टडी और साथ में स्पोर्ट्स को लेके चलना इजी होता है या मुश्किल होता है? नहीं नहीं, इजी होता है। मैं इजी होता है, स्पोर्ट्स के लिए आराम से टाइम निकालते हो। ठीक, और क्या क्या खेलना पसंद है आपको? मुझे इतना तो नहीं, अभी तक मैं जिमनास्टिक ही बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, और बस मतलब कि जिमनास्टिक अभी तक मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो स्विमिंग मैंने एक दफा की थी, वो मुझे थोड़ा डर लगता, उसमें मुझे इतनी नहीं अच्छी लगती स्विमिंग। अच्छा। मुझे जिमनास्टिक बहुत बहुत अच्छी लगती। डॉल से खेलते हो? नहीं, क्यों, मैं आपके जीतती थी, मैं तो सिर्फ डॉल से खेलती थी। मैं डॉल्स नहीं, वो स्लाइम ही होती, उससे खेलती हूँ। अच्छा, आपके फेवरेट गेम्स कौन सी हैं सर? मेरी फेवरेट गेम्स जैसे क्रिकेट होती है, फुटबॉल होती है, ऐसी गेम। वो हमारे कोई क्रिकेटर पसंद है आपको?
जी मुझे एक क्रिकेटर पसंद है। वो कौन है? शायद अफरीदी, मुझे बहुत पसंद है। बूम बूम के वैसे सभी फैन हो जाते हैं ना, तो अभी आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके मैं कार रेसर बनना चाहता हूँ। अल्लाह, ये बच्चा क्या क्या करेगा, मुझे ये बताइए। अभी आप जिमनास्टिक कर रहे हैं, क्रिकेट खेलना आपको शौक है, सब काम कर लोगे मिलके, स्टडी भी कर रहे हो, अम्मा अब्बा कहते होंगे ना कि स्टडी भी अच्छे से करो, तो सब मैनेज आराम से कर लेते हो? कर लेता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, आजकल स्कूल बंद है? आजकल तो बंद है, विंटर हॉलीडेज है। विंटर नहीं, कोरोना हॉलीडेज है, विंटर की तो 10-12 होती है। विंटर की तो 10-12। अच्छा मुझे ये बताइए, विंटर हॉलीडेज शुरू हुई है। अच्छा मजा आ रहा है? मजा आता है। वेकेशन होनी चाहिए या स्कूल जाना ज्यादा मजा आता है? दोनों ही ठीक है, दोनों होनी चाहिए। दोनों होनी चाहिए। अब कोरोना को कुछ पता है कि कोरोना चल रहा है, क्यों बच्चों को घर में बंद कर दिया, स्कूल भी नहीं जाने दे रहे? विंटर हॉलीडेज है अभी तो। विंटर हॉलीडेज है, मजा ऑनलाइन क्लासेस होती थी वो, उनसे थोड़ा उनका विंटर हॉलीडेज है 10 डेज की। अच्छा विंटर हॉलीडेज इंजॉय करने का घर पे मजा आ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस का मजा आता है, या फिर स्कूल जाना ज्यादा अच्छा लगता है जहाँ पे आपको अपने फ्रेंड्स मिलते हैं? स्कूल और विंटर हॉलीडेज ज्यादा सही रहते हैं। स्कूल जाना ज्यादा अच्छा लगता है? दोनों, स्कूल ऑनलाइन क्लासेस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को पसंद नहीं है। अच्छा वकास साहब, एक तो बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जिमनास्टिक के मैदान में, दूसरा पॉजिटिव रहने के लिए, बच्चों को गलत कामों से बचाने के लिए कितना जरूरी है कि बच्चों को किसी ना किसी खेल में पेरेंट्स जरूर इन्वॉल्व करें? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि मैं खुद जहाँ पे मेरी रिहाइश है, मेरे साथ जो बच्चे बड़े हुए हैं वो उसमें से तकरीबन 75% की बात करूंगा मैं। 75% ऐसे बच्चे हैं जो कि ड्रग्स में लग चुके हैं, बिगड़ गए। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने बचपन में ही, जो मुझे इस तरह के शौक था बच्चों का, जैसे अभी स्पोर्ट्स में है, तो मैंने पहले कराटे स्टार्ट की, उसमें मैंने ब्लैक बेल्ट ली, और जिमनास्टिक तो मैं समझे कि मेरा बड़ा भाई करता था, उसके साथ ही मैंने स्टार्ट की थी 1996 में, तो जिमनास्टिक स्टार्ट की। फिर मतलब और ऐसी एक्टिविटी, स्पोर्ट्स की कोई भी एक्टिविटी होती थी तो मैं पीछे नहीं रहता था उसमें। तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि स्टडी बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए आपके बच्चे फिट होने चाहिए, उनको स्पोर्ट्स में एक्टिव करें, ना कि सिर्फ जिमनास्टिक्स में, आप किसी भी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में उसको रखें, एंगेज रखें, ताकि आपके बच्चे थोड़े स्ट्रांग हो। क्योंकि समटाइम ऐसे होता है, हम अपने बच्चे को ना बड़ा एक दायरे में रखते हैं कि भाई ये इसको धूप से बचाना है, इसको ठंड से बचाना है, इसको डस्ट से बचाना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको थोड़ी धूप भी खिलाएं, उसको ठंड भी खिलाएं, और उसको डस्ट भी खिलाएं। एग्जैक्टली, ताकि वो हालात से फाइट करने वाला बने। स्पोर्ट्स में जब बच्चे आते हैं तो हार जीत का उन्हें पता चल जाता है, उनको पता है कि हमने हार भी बर्दाश्त करनी है, उसके बाद हम जीत सकते हैं, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्हें आ जाती है, बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करना शुरू हो जाते हैं। अभी ये छोटे बच्चे हैं, मेरी बातों को बहुत बड़ा समझ रहे होंगे, लेकिन इनको नहीं पता कि इनकी किस तरह से शख्सियत डेवलप हो रही है इन स्पोर्ट्स के जरिए। हमें लाइबा ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए नहीं भेजते, वो सिर्फ कहते हैं बच्चे हर वक्त पढ़ते रहें, उनको आप क्या कहेंगी? बच्चों को स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, आप कितना इंजॉय करते हैं? मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और मुझे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जिमनास्टिक बहुत अच्छी चीज़ है, जो फिटनेस और हमारी हर पार्ट, बॉडी पार्ट को और इंक्रीज करेगी और पावर उसमें लाएगी। तो मैं सारे सब पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को जिमनास्टिक या किसी भी एक्टिविटी स्पोर्ट्स में डालें, क्योंकि वो बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं। ठीक। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप जिस तरह से स्पोर्ट्स में हैं, जिमनास्टिक करते हैं, थक तो नहीं कई बातें कर करते? नहीं थक गई। अच्छा नाश्ता वाश्ता किया हुआ है, खाना वाना खा के आई हैं? अच्छा वो लग रहा है आपकी एनर्जी देख कर हमें। असद आपने खाना वाना खाया है, नाश्ता वाश्ता किया हुआ है? नाश्ता खाया था, लंच भी किया था मैंने। क्या बात है, आप भी स्पोर्ट्स पर्सन है ना, आपको तो करना चाहिए। हमें ये बताइए असद कि आप मुख्तलिफ स्पोर्ट्स भी करते हो, साथ में सारी चीजें मैनेज करते हो, आपके और बहन भाई भी स्पोर्ट्स में हैं? मेरे बहन भाई हैं ही नहीं। आप अकेले हो? मैं अकेला हूँ, ये भी अकेली है। अच्छा चलें जी, होते तो मेरा ख्याल है वो भी आपके अम्मा अब्बा उनको जरूर भेजते। अब मुझे ये बताइए, आप कराटे करते हैं, आपके पास कौन सा बेल्ट है? येलो था। हाँ, फिर ही छोड़ दिया जिमनास्टिक का, मम्मा ने कहा कि फिर मैं जिमनास्टिक ज्वाइन कर ली। ठीक, तो अभी मौका मिलेगा तो कराटे मजीद करेंगे? मौका मिलेगा तो कर ही लूंगा। कर ही लेंगे, तो ब्लैक बेल्ट चाहिए आपको? कराटे में बेस्ट ब्लैक बेल्ट ही होता है जी? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल चाहिए मुझे ब्लैक बेल्ट, बिल्कुल चाहिए। अच्छा ये कराटे की जब हम बात करते हैं, जो हम हरात हमारे आसपास जा रहे हैं, बच्चे हैं बच्चियां हैं, मेरा ख्याल है इनको सेल्फ डिफेंस के लिए ही कराटे सीख लेने चाहिए।
एक्चुअली मैं इतनी एज में बच्चों को कराटे इसलिए रिकमेंड नहीं करता, ये तो चलो घर में अकेले हैं तो अगर दो बहन भाई हो तो वो आपस में फाइट कर कर मर जाते हैं, तो इसलिए मैं खुद भी मार्शल आर्ट का ब्लैक बेल्ट हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जिस बच्चे को शौक होता है कराटे का तो मैं साथ में उनको कराटे की भी क्लास देता हूँ, तो टू इन वन हो जाता है एक क्लास में जी। अच्छा हमें ये बताइए कि ये बच्चे जिस तरह से हम फ्यूचर की बात करते हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की, जब सहूलियात की हम बात करते हैं तो जिमनास्टिक कहीं डाउन रह जाए, हमारे लाहौर में कोई प्रॉपर गवर्नमेंट लेवल पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, ना हमारे पास प्रॉपर जो इक्विपमेंट होता है जो कि जिमनास्टर्स को चाहिए होता है, हमारे पास वो भी नहीं है। रेलवे स्टेडियम चले जाइए, बेचारे बच्चे जो हैं वो घास पे ग्राउंड में मिट्टी पे अपने शौक पूरे कर रहे हैं। तो ये जिन जिन ग्राउंड्स की आपने बात की लास्ट टाइम भी, इन सब ग्राउंड्स में मैं कर चुका हूँ, जैसे रेलवे स्टेडियम हो गई, अपना ग्रिफिन ग्राउंड है, ग्रिफिन ग्राउंड हो गई, ये सब इन एरियाज में हम कर चुके हैं ट्रेनिंग। तो आपकी ये बात जो है इस पे मैं ज्यादा डिबेट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हम आपसे डिबेट नहीं, सजेशन मांग रहे हैं। सजेशन ये है, सजेशन ये है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास जितना है हमको अब उसमें सर्वाइव करना है। उसकी रीजन ये है कि अगर हम डिमांड करते हैं तो वो हमें मिलता नहीं है, तो एक चीज बार बार मांगने से मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ कि समझता हूँ कि इंसान की अपनी रिस्पेक्ट कम हो जाती है कि आप ना कि गवर्नमेंट को बार बार कहे कि जी हमें हॉल दें, जी हमें इक्विपमेंट दें। लेकिन अगर अगर हमें अस्पतालों को वीरान करना है तो ग्राउंड्स को डेफिनेटली तो इस बात को करने में बड़ी आसानी होती है कि जी हम ग्राउंड को जो है आबाद करें, जी हॉस्पिटल वीरान कर दें, ये मैंने बहुत सुना है लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। तो हमें अमल की जरूरत है, हमें इस पर काम करने की जरूरत है। मेरे अपने फेडरेशन के माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं जो कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं और उनकी काविश है कि हम जिमनास्टिक को एक अच्छे लेवल पे लेके आए, लेकिन हर काम के लिए आपके पास एक फंड होना चाहिए, एक ऐसा फंड, क्योंकि जिमनास्टिक सबसे महंगी गेम है, इसका एक एक इक्विपमेंट जो है वो लाखों रुपए का है, और अगर आपको इसको चाहिए प्रॉपर वे में तो आपके लिए सबसे पहले इसके लिए प्रॉपर एक हॉल चाहिए मतलब इंडोर, क्योंकि उसमें इसके जिमनास्टिक के 6 इवेंट्स है बॉयज के, गर्ल्स के पाकिस्तान में 3 इवेंट है, तो हर इवेंट के लिए आपको इक्विपमेंट चाहिए, फिर हर इवेंट के लिए आपको प्रोफेशनल कोच चाहिए। जैसे कि मैं ए क्लास लेवल की फ्लोर एक्सरसाइजेस करवाता हूँ उसमें मैं बच्चों में बहुत एक्सपर्ट हूँ क्योंकि मैंने इनको एक टाइम दिया है, इसी तरह फिर बॉयज के लिए अलहदा। तो जिमनास्टिक एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर इस पे काम किया जाए, करने की जरूरत है तो यकीनी तौर पर कैसे कैसे हीरे हमारे मिट्टी से निकल सकते हैं। लाइबा आपको कौन कौन से जिमनास्टिक के एक्ट्स बहुत पसंद हैं, कौन कौन से क्या क्या कहते हैं सर आप बताएं। लाइबा की माशाल्लाह जो फ्लेक्सीबिलिटी है ये आने वाले बच्चों के लिए जो है मैं समझता हूँ जो भी बच्चा इसको देखता है ना वो एक दफा ये जरूर कहता है कि मैं भी जिमनास्टिक स्टार्ट करूँ। अच्छा। लेकिन उनको शायद पता ही नहीं कि इसके पीछे कितनी मेहनत की है लाइबा ने, कितना पेन को उसने बर्दाश्त किया है और बड़ी मेहनत की है बच्ची ने। अच्छा लाइबा सबसे अच्छा जिमनास्टिक में क्या करना लगता है आपको? मुझे फेवरेट एक्सरसाइज क्या है जिमनास्टिक? बैक हैंडस्प्रिंग। अच्छा और क्या क्या करते हो वैसे? और मुझे वो स्ट्रेचिंग बहुत पसंद है जिसमें मैं फुल अपनी लेग्स खोल लेती हूँ। और मुझे वन लेग स्केल बहुत पसंद है जिसमें मैं अपनी टांगियां खड़ी कर लेती हूँ। ठीक। और अभी मजीद क्या करना चाहते हो कि मुझे ये कुछ नहीं आता, मुझे ये भी करना है? मुझे बैक फ्लिप नहीं आती पर मुझे बहुत पसंद है, मैं वही सीख रही हूँ अभी तक, और मैं स्ट्रेट बॉडी सीख रही हूँ अभी तक। वो उस पर बहुत बड़ा जंप चाहिए होता है तो वो मुझसे अभी सीख रही हूँ, सारे ये सीख रही हूँ अभी तक। जिस तरह के आपके जज्बे हैं ना अन करीब आप कर लेंगी। असद आपको क्या पसंद है जिमनास्टिक? मुझे जिमनास्टिक में फ्रंट फ्लिप और बैक फ्लिप पसंद है। ठीक। और बैक हैंड स्प्रिंग भी बहुत पसंद है। और मेरी और मैंने अभी नई नई एक्सरसाइज सीखी है, उसका नाम कॉट व्हील है, और एक्चुअली हैंड स्टैंड भी मुझे बहुत पसंद है। ठीक। अभी कौन सा ऐसा मुश्किल स्टेप है, काम है जो आपको नहीं आता, जो आप चाहते हो कि मैं ये करूँगा? मुझे बैक फ्लिप आनी है, मुझे बैक फ्लिप करने का बहुत दिल करता है। ठीक वकास साहब, अब ये बच्चे जो टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करें ऑब्वियसली मैं उसको नहीं जानती, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो ये ख्वाहिशात बता रहे हैं वो अभी इनके लिए कितनी देर में मुमकिन हो पाएगी? अच्छा ऐसे है कि हम तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि हमने बच्चे की बॉडी पे काम करना होता है। जब हमें पता चल जाता है कि यार ये बच्चा अब अपने वेट को कंट्रोल कर सकता है अपने हैंड्स पे, ये इतना फ्लाई कर सकता है जमीन से,
तो हम उनको जो है ना एक्रोबेटिक एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देते हैं। जैसे ये बता रहे थे फ्रंट फ्लिप और बैक फ्लिप, तो उसमें ये होता है कि बच्चे ने हवा में जाके अपने आप को रोल करके नीचे वापस आना होता है और पूरी लेग्स पे लैंडिंग करनी होती है। तो उसमें इंशाल्लाह कर जाएंगे, कोई मसला नहीं है अगर लगे रहें तो, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी ही स्पोर्ट्स मैन के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। अगर ये इसी तरह लगे रहे तो इंशाल्लाह जो जो इनकी ख्वाहिश आती है उनसे भी आगे जाएंगे। ठीक, स्टडी में भी आप दोनों बहुत अच्छे हैं मैंने सुना है, बनना क्या चाहती हैं? मैं एक बड़ों की जिम खोलना चाहती हूँ जिसमें मैं लोगों को एक्सरसाइज कराऊंगी और डाइट बताऊंगी कि अगर आप मोटे हो तो आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। ठीक, यानी आप फिटनेस एक्सपर्ट बनना चाहती हैं, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर? मुझे डॉक्टर बहुत बुरे लगते हैं। ये पहला बच्चा होगा, अम्मा बाबा क्या कहते हैं कि आपको क्या बनना है? मम्मा भी मेरी कहती हैं कि आप एक नेल आर्टिस्ट बनना, और वो कहती हैं आप एक जिम खोलना जिसमें आप लोगों को बताना कि आपको क्या डाइट बतानी चाहिए लोगों को। आपको नहीं फिटनेस एक्सपर्ट बनना है ना, आप लोगों को फिट रहने के तरीके बताएंगे। असद आप क्या चाहते हैं, क्या बनेंगे बड़े हो? मैंने आपको पहले बताया था मैं बड़े होकर इंजीनियर या कार रेसर बनना चाहता हूँ। कार रेसर तो स्पोर्ट्स हो गया ना, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई पायलट? इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। अच्छा, इंजीनियर बनेंगे आप? ठीक, ये ख्वाहिश किसकी है, आपकी अपनी? मेरी अपनी। मामा कहती हैं या बाबा कहते हैं, कौन कहता है? मैं अपने आप को खुद ही कहता हूँ। खुद ही कहते हैं? तो मामा बाबा आपको नहीं कहते कि नहीं इंजीनियर नहीं बनना, हम चाहते हैं आप डॉक्टर बनो? वो कहते हैं कि आप जो मर्जी बन जाओ। आपके मामा बाबा तो बहुत अच्छे हैं ना फिर। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इतनी स्पेस नहीं देते, लेकिन ये बच्चे यकीनी तौर पर ब्लेस्ड हैं कि इनके पास ऐसे पेरेंट्स हैं जो उनकी सलाहियतों को जांचते हुए इनको इतना मौका दे रहे हैं कि जो ये करना चाहते हैं वो जरूर करें। थैंक यू सो मच आप सबका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि इसी तरह आप तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन जरूर करें। वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन कुछ बात करेंगे हम फैशन ट्रेंड्स के हवाले से कि 2020 में कैसे रहे, 2021 में क्या होने जा रहा है, आपकी ब्यूटी को लेकर आपको हेयर कलर्स कौन से लेने हैं, किस तरह के कट्स कराने हैं, किस तरह का आपको मेकअप अपनाना है। अगर आप किसी भी फंक्शन पे जा रहे हैं क्योंकि शादी सीजन है और नए साल में भी शादियां बहुत सारी प्लान है, तो उसके हवाले से आपने हेयरडू आपका कैसा होना चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, आईज मेकअप डार्क है तो क्या लिपस्टिक लाइट होगी, लिपस्टिक डार्क है तो क्या आईज मेकअप डार्क किया जा सकता है, यानी ये बहुत सारी बातें जो कि खवातीन को स्पेशली बहुत परेशान किए हुए होते हैं। और किसी भी शादी पे जाना होता है, किसी भी फंक्शन पे जाना होता है, तो यकीन जानिए महीनों पहले प्लानिंग शुरू हो जाती है, ना सिर्फ ड्रेसेस के हवाले से बल्कि मेकअप्स के हवाले से, ट्रेंड के हवाले से, हेयरडू के हवाले से। तो 2021 में क्या ट्रेंड्स इन रहने वाले हैं, क्या तैयारी की गई है ब्यूटी एक्सपर्ट्स की जानिब से, क्या मशवरे दिए जाएंगे, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी खतीजा फैसल हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है खतीजा आपका? ठीक ठाक, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइए कि ब्यूटी एक्सपर्ट्स हमारे क्या तैयारियाँ कर रहे हैं 2021 को लेकर? 2021 में थोड़ी सी चेंजेस हैं क्योंकि अभी 2000 में हमारी आईज में बड़ी फ्लटरी हमारी लैशेस लगी हुई थी और काफ़ी हमारा जो स्किन भी ग्लो में थी, लेकिन 2001 में स्किन भी ग्लो में जाएगी, लेकिन इस दफ़ा हमारी आईज और हमारी जो लैशेस होंगी वो बहुत नेचुरल होंगी। ठीक, अब देखें इसको फॉलो कौन कौन करता है, ट्रेंड तो यही बनेगा कि 2001 में हम ये 2021 में हमारी लैशेज भी बहुत नेचुरल होंगी, हमारी स्किन बहुत ड्यूई होगी। अच्छा, 2020 में तो हमने देखा कि आईलैश एक्सटेंशंस बहुत फैशन, बहुत ज्यादा फैशन, बहुत फैशन जी जी जी, लेकिन 21 में जो है बहुत नेचुरल लुक्स जा रही हैं और बहुत ज्यादा जो ट्रेंड है वो हॉट लिप्स का होगा। ठीक, कि उसमें हम डार्क कलर लगा सकते हैं, रेड यूज कर सकते हैं, कोई भी बेरी कलर यूज कर सकते हैं, उसके साथ आईज का और फेस का नेचुरल होना वो ज्यादा ट्रेंड में जाएगा। अच्छा खतीजा, ये जो आप हॉट कलर्स बता रही हैं हमारे लिप कलर्स के, ये तो मेरा ख्याल है सर्दियों की वैसे ही स्पेशलिटी होते हैं। जी जी जी, तो अब ये विंटर जो स्प्रिंग और आएगा जब हमारा 21 का, इसमें ये ट्रेंड हमारा फॉलो पे रहेगा। ठीक, इसमें हम इसी डार्क शेड्स में रहेंगे, लेकिन हमारी आईज का फर्क हो जाएगा, हमारे हेयर स्टाइलिंग का काफी चीजों का फर्क है। लेकिन हमें ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि उन पे डार्क कलर सूट नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जिनके कट्स एक्सेप्ट नहीं करते रेड मरून लिपस्टिक्स को, वो क्या करेंगे? वो नेचुरल कलर की तरफ जाएं, न्यूड कलर ही लगाएं, लेकिन ये कि वो ज्यादा अच्छा है कि स्किन जितनी ड्यूई हुई हुई होगी, जितनी ग्लोई होगी, आप कोई सा भी शेड अपने ऊपर उसको जब करेंगे यूज करेंगे तो वो आपकी स्किन की वजह से ज्यादा खूबसूरत लगेगा। अच्छा खदीजा, फैशन को फॉलो करना कितना जरूरी है, कंफर्टेबल रहना कितना जरूरी है, और वो चीज
लिप कलर है या फिर मेकअप है, आईलैशेस हैं, वो आपको सूट करना कितना जरूरी है? मैं आपको ये बात बताऊं कि मेकअप तो सब कर लेते हैं लेकिन स्किन बहुत मैटर करती है, स्किन का टेक्सचर बहुत मैटर करता है। तो स्किन का मैं कहती हूँ, जब बात आती है स्किन की, केयर की, स्किन टिप्स की, तो मैं सबको ये कहती हूँ कि अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें, स्किन टेक्सचर का। आप कुछ भी अपने फेस पे लगाएंगे, चाहे डार्क हो चाहे वो लाइट हो, आपकी आईज कैसी भी बनी हो, आपकी स्किन अच्छी होगी तो मेकअप आपके ऊपर बहुत सूट करेगा। दूसरा ये कि फैशन को उतना ही फॉलो करें जो आपके ऊपर, जिसमें आप कंफर्टेबल रहें, आपकी बॉडी टेक्सचर के हिसाब से, आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, आपके बालों का कट कैसा है, उसके हिसाब से आपको अपना फैशन फॉलो करना है। यानी अंधाधुंध अपने फैशन फॉलो नहीं करना, जो आपको सूट कर रहा है उस पे जाना है। जी, जी जी। गोरे रंग का कॉन्सेप्ट क्या 2021 खत्म कर पाएगा हमारा? एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अपनी स्किन के कलर की रिस्पेक्ट करें, कोई भी स्किन कलर हो। तो आई थिंक क्योंकि पाकिस्तान में ट्रेंड बहुत ज्यादा है व्हाइट कॉम्प्लेक्शन का, कैसी भी ब्राइड हो उसे व्हाइट ही बनना होता है। एग्जैक्टली। तो हमारे यहाँ एशियंस में तो ये मसला है, मेरे ख्याल से 21 में भी हम स्किन व्हाइट कॉम्प्लेक्शन की तरफ ही रहेंगे, जो हमारी जितनी भी ब्यूटिशियंस हैं। लेकिन ये कि मैं, क्योंकि हम लोगों का ताल्लुक मीडिया से भी होता है, हम लोग काम करते, तो हम लोग, मेरा यही होता है कि अपनी स्किन टेक्सचर के हिसाब से मेकअप करें। लेकिन खतीजा, अगर जैसे आप स्किन केयर की बात कर रहे हैं कि स्किन आपकी खूबसूरत होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, आप यकीन जानिए जो सामने लोग होते हैं ना उनकी स्किन क्लियर होती है। जी, बहुत खूबसूरत लगती है। जी, व्हाइट स्किन में पिगमेंटेशन की बहुत मसाइल हैं, ब्राउन स्पॉट के बहुत मसाइल हैं। ब्राउन स्किन में ये मसले नहीं है, जो हम लोगों का एक नेचुरल कॉम्प्लेक्शन है, हम लोग पेल हैं, तो हम लोग को कोशिश यही होती है कि हम व्हाइट नजर आए, ज्यादातर मेजोरिटी यही होता है। लेकिन जो टोन कलर्स हैं हमारी, जो एशियंस कलर टोन है, वो अगर स्किन कलर, स्किन टेक्सचर अच्छा होगा तो वो टोन बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, हमें आई शेड्स के हवाले से बताइए कि आई शेड्स क्या मैट रहेंगे या फिर जैसा ग्लिटरी 2020 में हम देख रहे हैं कि बहुत जो हमारी यंग यूथ है, हाँ, वो तो मतलब 21 में ज्यादा खुश रहेगी क्योंकि बड़े फंकी ग्लिटरी आईज बनेंगी इस दफा। हाँ, हाँ, और डे में भी आप सिर्फ गोल्डन और सिल्वर पे नहीं, गर्ल्स जो है वो ब्लू, ग्रीन्स, अच्छा 2020 के साथ तो बहुत लिमिटेड हो गया था गोल्डन सिल्वर के साथ और बहुत बेबी पिंक्स के साथ। जी जी जी। अब ग्लिटर जो है वो 21 में जो है बहुत चंकी ग्लिटर्स आ रहे हैं, ब्लू के साथ, ग्रीन के साथ, गर्ल्स जो है वो उनको बहुत एंजॉय कर सकती हैं। रंगों की बहार आने वाली है। जी, और जो है, लेकिन वही मैं बात दोबारा कह रही हूँ कि लैशेज हमारी बहुत नेचुरल होंगी 21 में, तो अगर ब्राइट को भी बहुत ज्यादा हैवी लैशेस ना लगाए जाएं, थोड़ी नेचुरल लुक के साथ काम किया जाएगा, तो वो मेरे ख्याल से वो ट्रेंड बहुत बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा, जब हम फाउंडेशंस की बेस की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है उसका ट्रेंड नहीं चेंज होता, वो तो जो आपकी स्किन टाइप के साथ सूट कर रही है आपको हमेशा वही अप्लाई करनी चाहिए। जी जी जी। आजकल क्या है ट्रेंड, आपको स्टिक करना है, आपको पेनकेक करना है, आपको लिक्विड फाउंडेशन पे जाना है, बेस्ट ऑप्शन क्या है? जो ब्यूटिशियन या मेकअप आर्टिस्ट होता है उसको तो पता ही होता है अपना काम, कि अब मुझे जिस स्किन टेक्सचर से वास्ता पड़ा है कि क्या मैं उसको एक ही किसी यानी कि लिक्विड फाउंडेशन से ही उसको मैं हैंडल कर लूंगा, या मुझे स्टिक और लिक्विड फाउंडेशन बोथ यूज करनी है, तो ये तो ट्रेंड रहेगा हमारा। हाँ। क्योंकि जो अगर स्किन टेक्सचर जो होगी वो देखनी पड़ेगी कि वो आया कि लिक्विड बेस से ही हल हो जाएगी या हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन सी स्किन टाइप होती है? मेरे ख्याल से जो पिगमेंटेशन जिसमें होती है, जो हमें एक्नी से स्किन जिसमें एक्नी निकली हुई होती है, या ज्यादा कोई बर्निंग, अल्लाह ना करे कोई ऐसे, हमें ऐसे भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं कि जिनके चेहरे पे बर्न मार्क हैं या कोई बर्न का निशान है, या कोई ऑलरेडी बड़ी एक्नी की पिगमेंटेशंस होती हैं, उनको फिर हमें हैंडल करना पड़ता है। ड्राई स्किन प्रॉब्लम है? ड्राई स्किन बिल्कुल प्रॉब्लम करती है। मैंने वही बात की, जितनी ड्यूई स्किन होगी, जितनी ज्यादा आप अपना स्किन का ख्याल रखेंगे, उसमें डेड स्किन नहीं होगी, क्योंकि डेड स्किन जो होती है वही ड्राई स्किन होती है। तो वीक में कम से कम 3 दफा अपनी स्किन को आप स्क्रब करें उसको, ताकि आपकी डेड स्किन निकल जाए। डेड स्किन जितनी सर्दी का मौसम है, शादियां भी है, खवातीन रात को इतना थक के फंक्शन से आती हैं कि मुंह धोए बगैर सो जाती। मैंने खुद कितनी खवातीन को ऐसे देखा, वो स्किन के लिए कितना खतरा, बहुत नुकसानदेह है। मैं खुद भी, और मैं हमेशा सबसे, कितनी भी थके हुए आप किसी भी तकरीब से वापस आते हैं, कम से कम अपने बेड के जो आपकी साइड टेबल है, अपनी स्किन का जो सारा जो खर्चा है ना वो उधर ही रख दीजिए, ताकि वो आपने अगर लेट भी गई हैं, बैठ भी गई हैं, तो कम से कम अपनी चीजें अपने हाथ में लेके अपने स्किन को जरूर पैम्पर कर लें रात के वक्त, अपना मेकअप रिमूव करें, उसको मॉइस्चराइज करें। अब तो ये कि मार्केट में बहुत अच्छे ऑयल्स
एसेंस हैं, सीरम्स अवेलेबल्स हैं, और जो खवातीन 30 क्रॉस कर चुकी हैं, मैं उनको कहती हूँ कि बिल्कुल अब मॉइस्चराइजर ना लगाएं, क्योंकि अब मॉइस्चराइजर वाली स्किन नहीं है आपकी, अब आप एसेंस की तरफ आ जाएं, डिफरेंट ऑयल्स आ गए हैं मार्केट पे, और अच्छी जो भी अब ये कि स्किन के हिसाब से जो आपकी मॉइस्चराइजर क्रीम्स हैं उनको यूज़। अच्छा, हेयर कलर्स क्या हैं ट्रेंड में अभी 2020 में, क्या रहे 21 में, क्या एक्सपेक्टेड है? अभी 21 में तो काफ़ी हम लोग सॉफ्ट पे ही काम कर रहे थे, तो 21 में भी जो है 20 में सॉरी हम लोग काफ़ी सॉफ्ट लुक पे ही काम कर रहे थे, लेकिन अभी 21 में जो है हम उसमें भी हम ऐश की तरफ हैं और ब्लॉन्ड लुक की तरफ, ऑलवेज फैशन में रहता है जी, ऐश की तरफ भी हम जाएंगे और हमारी ब्लॉन्ड लुक भी होगी। अब वो ब्लॉन्ड लुक जो है वो गोल्ड की साइड पे है या कॉपर की साइड पे है, वो फिर ये कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, की बात करें या कॉपर की बात करें, हर किसी को सूट नहीं करता, कुछ लोगों ने कराया होता है लेकिन वो बिल्कुल जी, तो फिर इसीलिए फिर आप एश की तरफ जा सकते हैं, हल्का सा आप एश कलर की स्ट्रीक्स लें जिस तरह से, लेकिन ये कि अब वो रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट्स की अपनी अपनी, कि अगर आपने ज्यादा ब्लॉन्ड की तरफ जाना है तो ब्लॉन्ड का भी बहुत मिनिमल कलर जो होगा हम उसको उठाते हैं, तो 21 ने भी सारा जो है सॉफ्ट लुक पे सारे काम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गोल्डन या ऑरेंज कलर की तरफ नहीं जाएं 21 पे, क्योंकि वैसे भी विंटर्स हैं, तो ये कि अपनी लुक को जितना सेटल हम कर सकेंगे नेक्स्ट ईयर में स्प्रिंग तक, तो वो ये कि सॉफ्ट लुक पे ही काम, हाईलाइट्स होंगी, लो लाइट्स होंगी, जी जी सिंगल शेड्स होंगी, लेकिन लो लेकिन बिल्कुल ही स्मूथ कलर के साथ होंगे। ठीक, और सिंगल कलर्स हमें बताइए कि इस साल में तो हमने देखा 2020 में तो डार्क मरून्स, डार्क ब्रॉन्स बहुत फैशन में रहे जी, तो अभी क्या होने, अभी जो है चलने वाले हैं के जो हमारा जो ये विंटर और स्प्रिंग होगा इसमें ब्राउन कलर बहुत ज्यादा इन होगा, क्योंकि जो बाहर से भी जो हमारा ट्रेंड आ रहा है जिसको सब फॉलो भी करेंगे एशियंस वगैरह, उसमें ब्राउन कलर वन शेड में बहुत ज्यादा होगा, उस वन शेड के साथ ही लेके उसको आप स्ट्रीक्स के साथ भी उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक, बालों की केयर कितना जरूरी है, क्योंकि जितना भी हम डाई कराते हैं, जितने भी हम लोग प्रोसीजर्स कराते हैं बालों पे, ऑब्वियसली बाल खराब होते हैं, जी जी, उनको कैसे ठीक रखना है? बालों के लिए भी यही है कि प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गई है, बल्कि अब समझ में नहीं आता, क्लाइंट्स पूछते भी हैं कि क्या लें और क्या ना लें। ठीक, तो ये कि अब शुक्र है कि मास्क भी अवेलेबल हैं, कंडीशनर भी अवेलेबल हैं, अब उनको लगाना भी पड़ना है। हाँ, तो अब ये कि इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, अगर डेली अगर आप लोगों का काम इस तरह का है कि इसमें आप हीट प्रोटेक्टर लगा के अपने बालों को ब्लो ड्राई करवाएं या स्ट्रेट करवाएं तो वो बेस्ट है, ताकि बाल ना आपके डैमेज हो। यही चीज़ें हैं कि हीट प्रोटेक्टर हो गया, प्रोटीन स्प्रे हो गए, तो ये अगर अपने भी पास हो और आपको कहीं जाना भी हो और आप कहीं करवाना चाहते हैं सैलॉन्स पे और वहाँ पे नहीं अवेलेबल, तो कम से कम आपके बैग में आपके जहाँ स्किन की रूटीन की चीज़ें आपके पास हैं तो हेयर की भी होनी चाहिए, लेकिन मैंने देखा है वो मिसिंग होती हैं लोगों के पास। हाँ। पाउचेस बने हुए होते हैं मेकअप के, उसमें स्किन की भी एक आध लोशन कोई ना कोई हाँ। पड़ा होता है, लेकिन हेयर की कोई चीज नहीं होती बैग में, लेकिन वो रखनी चाहिए हमें। बालों से तो इंसान की पर्सनालिटी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ये कि वीक में एक दो दफा अपनी ऑयल जरूर करें बालों को, क्योंकि बाल डाई भी हैं, उसमें स्ट्रीक्स भी हुई हुई हैं, तो यही चीजें अगर हम वीक में 3 से 4 दफा फॉलो कर लें तो मेरे ख्याल से काफी हम अपने हेयर को बैलेंस को। लाइबा, आपने स्किन केयर पे बहुत फोकस किया है और आप बार बार कर रही हैं कि जितना भी मेकअप करेंगे, चाहे आप किसी ब्यूटिशियन के पास जाएं, सैलून चले जाएं, घर में करें, आपकी स्किन अच्छी होगी तो मेकअप अच्छा होगा। बिल्कुल। अब हमें ये बताइए कि बहुत सारी खवातीन हैं जो कि एक महीने के बाद सैलून का रुख करती हैं, कोई अच्छा सा फेशियल ले लेती हैं, लेकिन पूरा महीना उसकी कोई केयर नहीं। जी जी, इज इट राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर जहां आप सैलून पे जाके एक्सपेंस कर रहे होते हैं फेशियल्स पे या मैनीपेडी पे, तो फिर ये कि रात की जो रूटीन है आपकी, दिन भर अगर आप कुछ नहीं भी कर सके अपनी मसरूफियत की वजह से, तो मर्द हो या खवातीन दोनों को रात की अपनी जो स्किन की पैम्पर की जो एक पूरी ठीक एक रूटीन है, चाहे वो 3 स्टेप्स आप कर रहे हो या 4 कर रहे हो या 5 कर रहे हो, वो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। वो बहुत हेल्प करता है आपकी स्किन रूटीन में, आपकी स्किन की टोन को, टेक्सचर को बेहतर बनाने के लिए। अब हमारी जो शादियां हैं जिनके घरों में, या फिर जो ब्राइड्स हैं जूड़ा फैशन में हैं, ब्लो ड्राई हैं, कर्ल्स हैं, जी क्या है? अच्छा, 21 में जो है ब्लो ड्रायर भी रहेगा, लेकिन 21 में बालों को जो है बहुत ज़्यादा स्लीक लुक में दिखाया जाएगा। ठीक, जो भी हम 21 के फैशन शोज देखेंगे, जो ट्रेंड देखेंगे, उसमें बाल जो है बैक की तरफ बहुत स्लीक लुक में जाएंगे। ठीक,
जिसका मतलब है हम दोबारा से सिंपलिसिटी की तरफ जा रहे हैं। जी हम बिल्कुल स्लीक लुक पे जा रहे हैं। हाँ। अगर हमने कोई स्टाइलिंग करनी भी होगी तो हम आगे प्रूफ बना सकते हैं, क्योंकि इस दफा फ्रंट हेयर जो है वो ज्यादा मैटर करेगा बनिस्बत बैक हेयर के, हम उसमें जूड़े नहीं बनेंगे। हाँ। वो ब्लो ड्रायर के साथ सामने कोई ना कोई चीज प्ले की जाएगी, चाहे आप उसकी कोई बैंग्स कटवा लें, बैंग्स कट कर लें या सामने प्रूफ कर लें, उसके साथ फिर आपकी स्लीक लुक। ब्राइड के साथ भी ऐसा ही होगा? नहीं, ब्राइड के साथ चूंकि ब्राइडल लुक देनी ही पड़ेगी तो फिर उसमें ये कि एक स्पेशल जो हमारे खास ट्रन और का जो एक ब्लो ड्रायर लुक होती है वो भी हो सकती है, जूड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ वही बात है कि सामने से जरूर कोई ना कोई स्टाइलिंग की हुई होगी ब्राइड्स की भी। अच्छा, कितनी ब्राइड्स आपकी सुन लेती हैं कि उनके फेस कट्स कैसे हैं, आपको ये हेयरडू करवाना चाहिए, आपको ऐसा मेकअप होना चाहिए आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग, और कितनी ब्राइड्स हैं जो आपको आके पिक्चर दिखाती हैं अपनी चलाना चाहती हैं कि हमें ऐसा बना। हाँ, नहीं मैं उनको कह देती हूँ खुद से कि अगर आपके पास कोई रेफरेंसेज हैं, क्योंकि आपका ये फर्स्ट डे है और ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, बिग डे है, इसमें आप जो चाहती हो मुझे बता दें। ठीक, तो थैंक्स क्लाइंट के कह देते हैं कि नहीं आप जिस तरह हमें करना चाहती है वो बेस्ट होगा, लेकिन हाँ हम मैं उनसे समटाइम मीटिंग कर लेती हूँ इस बारे में, अगर वो कोई रेफरेंस दिखाते हैं तो हम उन पर भी तैयार कर देते हैं, लेकिन वैसे क्लाइंट अमूमन जो है मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर ही छोड़ देते हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, हम लोग फेस की हिफाजत कर लेते हैं थोड़ी बहुत, चले बालों की भी हो ही जाती है, हाथों पाँव की हिफाजत कितने लोग करते हैं? मेरे ख्याल से बहुत ही कम करते हैं, जो हमारी हाउस वाइफ हैं वो तो शायद बहुत ही कम करती हैं, क्योंकि उनके पास एक इशू होता है या एक एक्सक्यूज होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत थक के सो रहे हैं। मैंने एक चीज ये बताई है कि बहुत आसान है, ले अपने साइड टेबल पे अपनी चीजें रख लें, क्योंकि मैं खुद भी रखती हूँ। तो ये कि रात को अगर आप लेट गए हैं अपने हाथ पैर पे जरूर लोशन लगाएं, कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी हम विंटर, अब आपको पता है आगे अब और सर्दियाँ आ जाएंगी जनवरी में, तो जितना हैवी मॉइस्चराइजर और क्रीम अपने हाथों पैरों पर लगा के आप छोड़ सकते हैं रातों को वो ज़रूर करें। फिर ये कि अपना स्क्रब ज़रूर करें हाथ जो आपके हैंड का और फीट का है, ताकि आपकी डेड स्किन निकल जाए। डेड स्किन बहुत मैटर करती है कि वो नहीं होनी चाहिए आपके बॉडी का कोई भी पार्ट हो, क्योंकि डेड स्किन ही है जो हमेशा ड्राइनेस शो करती है, चाहे वो सर पे हो, चाहे आपके फेस पे हो, चाहे आपके हाथ और पैरों पे हो। अच्छा, हमें ये बताइए कि जब हम मेकअप की बात करते हैं तो उसमें ड्रेसेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कि आप वेस्टर्न पहन रहे हो, आपने कोई बहुत हैवी जोड़ा पहना हुआ है, आपने बहुत लाइट सा फॉर्मल पहना हुआ है, ड्रेसेस को कितना जहन में रखते हुए आपको मेकअप करना चाहिए? मैं आपको ये बात बताऊं कि ड्रेसेस समटाइम हम मेकअप कर देते हैं, बाल बना देते हैं, लेकिन क्लाइंट हमें कहता है कि अभी कुछ समझ में नहीं आ जब तक कि कपड़े, ज्वेलरी, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। बाल मेकअप को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, मेकअप बालों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, ऐसे ड्रेस आपका, चाहे आप वेस्टर्न लुक ले रहे हो या ईस्टर्न लुक ले रहे हो, लेकिन ड्रेस उसके साथ जब आप पूरे एक अपनी कंप्लीट प्रोफाइल बनाते हैं तो फिर उसी में ज्यादा मजा आता है। जीरो मेकअप वाला कॉन्सेप्ट 21 में जी चलने वाला है। असल में जो मैं आपको ट्रेंड बता रही हूँ कि आईज बहुत ज्यादा फ्लैट होंगी और कोई कॉर्नर्स भी डिफाइन नहीं होंगे, वन शेड पे काम होगा, इसका मतलब ब्लैक कॉर्नर्स खत्म होने वाला। हाँ जी, कैट आईज लाइनर भी कैट आईज का ही होगा और डूई स्किन होगी बहुत ज्यादा, तो ये आईज मेकअप पे ज्यादा इस दफा कोई फोकस नहीं होगा, तो आईज भी बड़ी लाइट होंगी, और जिन खवातीन ने अपनी, जिनको शौक है डार्क लिप्स लगाने का, वो तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहेंगी। अच्छा, आपने कैट आई लाइनर की बात की है, बहुत सारे लोग हैं जिनको वो नहीं सूट करता जी, तो ये कितना डिपेंड करता है कि आपने अपने फीचर्स को भी देखना है, आपने अपनी आंखों को भी देखना है जी, ऐसा ना हो कि जो लाइनर लगा रहे हैं आप उस, आपकी आंखें छोटी हैं, मजीद छोटी जी, जी जी नहीं, वो तो फिर आप अपने फेस के हिसाब से, आईज के हिसाब से काम करेंगे, चूंकि हम बात ट्रेंड पे कर रहे हैं तो मैं उसका बता रही हूँ कि इस वक्त कैट आईज आगे जाके जो है लाइनर वो बहुत इन हो जाएगा, अब उसी में है उसको आप थोड़ा सा मर्ज कर लें, अगर वो ज्यादा लाइनर आपको लॉन्ग लग रहा है तो उसको लॉन्ग ना करें, उसको थोड़ा मर्जिंग की तरफ चले जाएं। और लेकिन इस दफा जो है लो लैशेस जो होंगी हमारी वो भी नहीं है इस दफा, वो भी हम खत्म कर रहे हैं 21 में, वो भी नीचे से बहुत साफ होंगी, बहुत इस दफा नीट स्किन के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा खतीजा, जिस तरह से आप लैशेस की बात करें, ब्राइट को हमने देखा कि इतनी हैवी लैशेस लगती हैं कि आंखें थक जाती हैं जी, तो क्या ब्राइड्स के साथ वही कुछ होता रहेगा या फिर ब्राइड्स करना चाहिए थोड़ी सी लैशेस को, बहुत हैवी था अब इस दफा, और लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ा नेचुरल लुक में भी ब्राइड को लगना चाहिए, अगर आप उसको लैशेस लगा भी रहे थोड़ी नेचुरल लैशेस लगाएं, बहुत हैवी ना लगाएं, क्योंकि अगर इस दफा ये भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेंड चेंज भी हो जाएगा,
सब अपने हिसाब से काम कर, अगर लेश आइज बहुत सिमिट्री हैं बिल्कुल वन शेड के साथ, और अगर हम उसमें हैवी लैशेज लगा भी देंगे तो वो खूबसूरत लगती हैं। लेकिन वही बात कि आई छोटी है बड़ी है उसको में ज़्यादा हैवी लैशेज नहीं है, तो कोशिश भी यही करें कि अपनी लैशेज को बहुत ज़्यादा नेचुरल रखें। अच्छा, फेस कंटूरिंग जी आपके फीचर्स को कितना इन्हांस करती है, अगर आप ख़राब करते हैं तो कितना आपके फीचर्स को ख़राब कर सकती है, बिगाड़ सकती है? बस वही वाली बात है कि इन चीज़ों की भी नॉलेज सबको होनी भी चाहिए और बास को नहीं भी होती है, तो कॉन्टोरिंग जो है वो आपके फेस के फीचर्स को इन्हेंस ही करती है। तो ये कि वो ज़रूर करें, लेकिन 21 में कॉन्टोरिंग बिल्कुल ख़त्म है, ठीक, और 21 में जो है ब्लश के साथ ही फेस के ब्लश को और आपके जो चीक्स बोन्स होंगे वो ब्लश के साथ ही इन्हेंस किए जाएंगे, तो 21 में कॉन्टोरिंग का भी कोई जो ट्रेंड आ रहा है उसमें कॉन्टोरिंग भी बहुत स्लो है। अभी जो जनवरी में ब्राइड्स बनने वाली हैं उनकी आप शक्लें तब्दील करने वाले हैं या फिर ब्राइड्स पहचानी जाएंगी कि कौन है? आई थिंक पहचानी जानी चाहिए और ब्राइड को अभी ये लगना चाहिए, ये बहुत ट्रेंड हो गया है जी, ब्राइड पहचानी नहीं जा रही होती कि भाई ये वही लड़की है जो मेकअप से पहले थी। नहीं, मैं कहती हूँ ब्राइड जरूर पहचानने में आनी चाहिए, ब्राइड को बहुत खूबसूरत लगना चाहिए, लेकिन उसके अपने फीचर्स के साथ, उसको अपने फीचर्स के साथ जी, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसकी स्किन की खूबसूरती है, जो उसके फेस की खूबसूरती है, उसको हम इन्हेंस करते हैं, और उसमें जितना भी खूबसूरती के साथ उसका मेकअप किया जा सकता है उसके फेस को समझ के, तो ब्राइट तो 21 में भी मैं कहती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, अगर हम उसमें मिनिमम मेकअप भी लगा रहे हैं, लेकिन ये कि किस तरह से काम कर रहे हैं ब्राइड्स के ऊपर उसको देख के, तो ब्राइड 21 की बहुत खूबसूरत है। मुझे ये बताइए ब्राइड को इतनी बेस वैसे लगती क्यों है, क्यों जरूरत पड़ जाती है? हमारे यहाँ आ जाते हैं, स्माइल नहीं करनी ऐसा नहीं करना वैसे, वो बेचारी जो है ना वो 3-4 घंटे बैठे बैठे ना वो स्माइल करी होती है, फोटोग्राफर से कह रहा होता है आप स्माइल दें, मेकअप आर्टिस्ट ने समझा के भेजा होता है कि स्माइल करेंगी तो क्रैक्स आ जाएंगे। असल में बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी कर दिया जाता है आपको पता है ब्राइड्स को, और हमारे यहाँ तो एशियंस में बच्चियाँ छोटेपन से कॉन्शियस हो जाती हैं, हमारे यहाँ जो घरों के जो एक फैमिली एटमॉस्फेयर है कि जब बच्चियाँ छोटेपन से ब्राइड को देख रही होती हैं तो उनको पता होता है ब्राइड ने बोलना नहीं होता, ब्राइड ने स्माइल नहीं करनी होती, ब्राइड ने खाना नहीं खाना होता, तो ये तो एक समझे हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है बचपन से, और जब दुल्हन बनती हैं ये लड़कियाँ तो उनको पता होता है हमने खाना नहीं खाना, हमने स्माइल नहीं पास करनी है, तो लेकिन जहाँ तक बात करें आप हैवी बेस की, हाँ मैंने लेकिन अक्सर जी बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्लर्स में भी देखा कि आपको बहुत हैवी बेस लगती है जी, लेकिन थैंक्स टू गॉड के अब ये के लिक्विड फाउंडेशन हमारे पास हैं, अब आप देखें कि उस फाउंडेशन से पहले भी प्राइमर भी लग रहा है, अब हमें जो है वो मास्टर स्ट्रोबिंग क्रीम्स भी लग रही हैं, कोई ना कोई अंदर इल्यूमिनेटिंग करने के लिए अब हम लोग 2 से 3 तो एक पहले स्टेप्स हो ही जाते हैं, और उसके ऊपर जब आप हल्की सी लिक्विड फाउंडेशन लगाते हैं जो कि आपको फुल कवरेज दे भी रही है, तो मैं समझती हूँ लिक्विड पेन कुछ थोपने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसको एक कॉम्पैक्ट के साथ उसे फिक्स करें और अपना मेकअप स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया खतीजा फैसल, ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रही और बड़ी अच्छी इन्होंने बात बताई है कि आप फैशन जरूर करें लेकिन उसके साथ साथ एक बार अपना चेहरा शीशे में देख लीजिए कि आपको कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज आपको सूट नहीं करती, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे यकीन जानिए वो फैशन कभी भी आपको सूट नहीं करेगा। इसी बात के साथ आपने मुझे इजाजत देनी है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।